नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको कि हम कहां कहां घूमने जा रहे हैं। कहां घूमने जा रहे हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, ये आप देखिएगा वीडियो में। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को चालू। आज है हमारे साथ हमारे दोस्त, जो कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे जो बहुत मुश्किल से पास हुए थे, पर अब क्या करें, उनकी किस्मत ही इतनी ढीली है, पास तो पास, वो फिर से उन्हें पेपर देने पड़ेंगे। अब बताओ, अब ये हैं भैया हमारे साथ। भैया बोले कि आज हम आपके साथ जाएंगे व्लॉग बनाने, पर इनकी किस्मत इतनी ढीली हो गई कि अब ये शर्मा गए। देखिए इसलिए शर्मा गए क्योंकि इनको अपनी अनख मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी। हमें दान नहीं चाहिए किसी का भी, कोविड में हम ऐसे पास नहीं होंगे, हम पेपर दे के पास होंगे अपनी मेहनत से। अब देखते हैं इनकी मेहनत क्या रंग लाती है। भैया पेपर दोगे अब आप? हाँ जी हाँ, मैं पेपर दे के पास होना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हाई स्कूल में कितने परसेंट आए थे पेपर? हाई स्कूल में मेरी 74% आई थी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो आर्यन बताया फिर ये भैया ने कैसे पास किया था हाई स्कूल? अरे बहुत बढ़िया करके मेहनत की थी बंदे ने। 10वीं क्लास में रात में सोता नहीं था, पढ़ता था। और अभी अभी क्या सीन है, अभी बता रहे थे कोविड में जैसे बच्चे सारे पास हो गए। हाँ। तो भाई कह रहे हैं कि मैं पेपर दूंगा। हाँ तो वो अपनी मेहनत से पास होगा यार, बंदा तुम्हें पता नहीं है, बंदा ले पता कितने परसेंट लाएगा। हाँ। 33 लाए जितने मर्जी लाए लेकिन पास होगा। 90% लाए? 33 नहीं भाई, मुझे पता है 90% लेके आएगा क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहा है, आजकल पढ़ रहा है बहुत ज्यादा। भाई को देखो और किताबें इसने रद्दी में बेच दी हैं। तुम इतना सोच सकते हो कि इतना तुम सोचो भाई कि भाई बोल रहा है कि मुझे दान में दिया कुछ नहीं चाहिए, जैसे दान में कोविड में सारे पास, दान में जैसे आप भी पास हुए हैं कोविड में। गजब बेइज्जती है। तो भैया बात ऐसी है, अब हम लोग आ गए हैं वाइपर केशन। भैया लोगों को यहाँ पे खिंचवानी थी फोटो। अरे नहीं फोटो बढ़िया आई थी, थोड़ी पीछे से खींच। अरे भैया लोगों ने कितनी फोटो खींचेगा भाई? मैं कपड़े लाया हूँ कुनपुर से यार, 500-600 रुपए की। 250 रुपए की टी शर्ट पहनी है, 250 रुपए का पजामा और 50 रुपए के जूते जो दिल्ली में मिल जाते हैं वो वाले पहने हुए भाई ने। 250 के आ जाते हैं? अरे वाह, अब इन्हें भाई ने बता दिया 250 में जूते मिल जाते हैं वाले। आपके भी तो 250 वाले दिखा देगा। मेरे तो मेरे 50 रुपए वाले भाई। तो राजा भैया आप किस अफसोस में ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे नहर की तरफ क्यों देख रहे हैं? भैया कोई फोटो नहीं खींच के दे रहा यार हमारी फोटो। हाँ यार फोटो छोड़ो आप, मुझे लग रहा है वो अफसोस होगा कि आपको अभी पेपर देने पड़ेंगे। ना ना पेपर की टेंशन नहीं है, पेपर तो यार तैयारी फुल है। पेपर तैयारी फुल है? हाँ जी। पक्का? पक्का। तो फिर छोटा बड़ा सुनाओ। छोटा बड़ा बस बस इतना ही आता है? इतना ही आता है। अरे नहीं छोटा बड़ा। आर्यन भाई क्या कर रहे हैं आप? हेलो ब्रो, ये मेरा आईफोन है, ये मैं हूँ, यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। ये मांगा हुआ आईफोन है? ये इन मांगा वाले भाई का है? ये वाले भाई का है? भाई का है, मेरा भाई है ये, भाई साहब भाई है। मैंने दिलवाया इसे। अरे तूने कहाँ से दिलवाया? खुद की तो डिस्प्ले नहीं पड़ी, इतने दिन बाद पड़ी थी। देखो यार ये रखा यार, मैंने दिलवाया ना। अरे की खाना 10 रुपए तुरतरे। अच्छा अब मर जाए फिर स्माइल कर दे मर जी, राजे तेरे दंत कीड़ा लगा मर जाए बखा दे यार। तो भाई साहब हमारे परम भाई जिनका यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर, दुनिया के नंबर वन ब्लॉगर, ये शायरी सुनाएंगे आज। ये पाकिस्तान के शायर हैं, पाकिस्तान वालों से शायरी ये सीख के आएंगे कैसे बोली जाती है। वैसे पाकिस्तान वाले जो शायर है ना वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक शायरी जो बोलते हैं यार उनका अंदाज जो होता है मेरे को बड़ा पसंद एक है। मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, चाह तो मैं सड़ी सड़ी फिक्की वाकई नहीं पींदा। उन्हीं को देख कर मैंने कुछ सीखा है। तो सुना ये है, अर्ज किया है जिथे लाई दिल तो लाई, असी कदे व्यापार नहीं कीता, जिथे लाई दिल तो लाई, असी कदे व्यापार नहीं कीता, पैर पैर ते मिले धोखे सानू साडे अपने तो। क्या बात है, पैर पैर ते मिले सानू धोखे अपने तो, साडा दिल देख असी कदे इजहार नहीं कीता। क्या बात है, पाकिस्तान दे शायरी, पाकिस्तान वालों देख देख के मैं भी सीख गया, शायर बन गया यार। शायर बन गया बंदा, कहता शायर है। अब हम लोगों ने फोटो खींच लिया, वाइपरकेशन घूमने आए थे, भाई लोग आए हुए हैं दिल्ली से, वो बोल रहे थे कोई ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे कुछ अच्छा लगे, फोटो वगैरह अच्छी आ जाए, तो भाई लोगों को लेके हम लोग आए थे वाइपरकेशन। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे ये है वाइपरकेशन वगैरह, यहाँ पे नहरें हैं दो, यहाँ बस तीन नहरें हैं, एक इधर हमारे गाँव तरफ चली जाती है, बस एक सीधी चली जाती है, एक जंगल है। अब हम लोग यार थोड़ा आगे आगे देखते हैं क्या है आगे का भी, भाई लोगों को एक्सपीरियंस ले लें भाई साहब का, यहाँ पे आए हैं। हाँ जी भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बताइए, कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं कर रहे, बस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो ये बताओ? आईलेट्स कर रहे हैं। कितने बैंड आ रहे हैं? आ जाएंगे 8-9। आठ नहीं है, क्या बात है। मतलब आईलेट्स वाला काम ही अपना है, क्या बात। वो कह रहा 4.5 आएंगे, वो कह रहे राजा 4.5 लेके जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेपाल जाएंगे। 4.5 विशाल भाई है, ये आए हैं दिल्ली से, दिल्ली में रहते हैं और इनसे लेते हैं एक्सपीरियंस। इनका कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। अच्छा, फोटो तो बढ़िया आई है आपकी। बहुत बढ़िया लोकेशन। स्लोमो बना लिए आपने? स्लोमो बना लिए, स्लोमो बुलेट पे बनाए हमने। बहुत बढ़िया लगा परम भाई का पेट्रोल खत्म। अरे राजा बोल दिया भाई, राजा क्या बात है उस्ताद जी। वाइपर केशन वाला सीन जो था वो हमारा हो गया फिनिश। अब हम लोग थोड़ा आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे भाई लोगों को घुमा ले रहे हैं और अगर फेमस पपड़ी भी है वाइपर केशन पे वो भी खिलाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं वो वीडियो में। और अभी हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, दिखाते हैं भाई लोगों को। आगे एसएसबी कैंप है, वो भी दिखा ला रहे हैं। चलिए चलते हैं। अब परम भाई जी कहाँ पे ले आए हो हमको? कहाँ पे ले आए हो भैया जी? जहाँ लाए, जहाँ मतलब तुम समझो कि यहाँ पे जन्नत है। जन्नत समझते हो आप? जन्नत जुबैर नहीं, जुबैर की बात छील ली। जन्नत जुबैर नहीं, जन्नत देखी आपने? जन्नत देखी है? नहीं देखी। देखी है। कैसी है? उसके 32 मिलियन है ना फॉलोअर। अरे वो जन्नत नहीं यार, जन्नत एक जन्नत होती है, जैसे हम लोग मरने के बाद जन्नत हासिल होती है। नहीं हमें तो नहीं होगी। नहीं होगी ना? तुम लोगों ने काम ही ऐसे करे बेटा, तुम लोगों ने अपने स्कूल के पंखे तक मोड़े। ओ नो, आनी गड़ा। इन्होंने अपने स्कूल के पंखे फोल्ड कर दिए हैं। तो स्कूल वाले बंदे ही ना बिंदे होने यार। हाँ तो वो देखते हैं तो क्या दिक्कत है। चलो वाले आपके सारे मेरा ब्लॉग देखते हैं। अच्छा, आपको प्रिंसिपल सर भी आपको जन्नत मैं दिखाता हूँ। देखिए आगे आप, आपको भी जन्नत दिखा। भैया अब हम लोग आ गए हैं एसएसबी कैंप के पास, जो कि यहाँ पर वाइपर केशन के आ गए। गबिया की तरफ जाते हैं तब पड़ता है रास्ते में सेला बाबा की तरफ। तो अभी यहाँ पर भाई लोग यहाँ भी शूट करेंगे अपना, जो भी फोटो शूट वगैरह करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या करते हैं, जो भी करेंगे आपको इस वीडियो में पूरा दिखाया जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर हमारा हो गया है फोटोशूट और जो भी वीडियो बनानी थी हम लोगों ने बना ली है। अब हम लोग निकलने लगे आगे। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं आगे। तो अभी हुआ ऐसा कि हम लोग अपने घर के लिए वापस आ रहे थे एसएसबी कैंप से, मारटांडा की तरफ जो रोड है वहां पे हम लोग आ रहे थे। अचानक हमारे सामने एक शेर आ गया जंगल में, तो हमें मोटरसाइकिल हमारी इतनी भगानी पड़ी हमें, इसलिए हम लोग वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि बाइक पे थे हम लोग। कार पे होते तो शायद वीडियो हम लोग जरूर डालते उसमें। और आर्यन कैसा महसूस किया जब शेर एकदम हमारे सामने आया? अरे यार मुझे तो भूख लग गई, यहाँ की फेमस पपड़ी खाने लगा मैं यार। भूख लग गई है शेर देख के? और अगर मीठा हो रहा है, बचने की खुशी में मीठा खा रहे हैं हम लोग। ये है सोन पपड़ी, यहाँ की वाइपर केशन की फेमस। हम लोग अब वाइपर केशन निकल आए तो बाल बाल बच गए भाई लोगों आज हम। और कोई भी अगर इधर इस रोड पे आए तो भैया बड़ा ध्यान से आए, क्योंकि इस रोड पे शेर कभी भी मिल सकता है आपको। भैया कैसा लगा आपको यहाँ पर घूम कर? मजा आया भैया, बहुत अच्छा लगा। शूट हो गया आपका? शूट हो गया सारा, स्लोमो वगैरह सारे सब बढ़िया, सब हो गया, सब हो गया है। तो भैया लोगों का हो गया है शूट, अब हम लोग जा रहे हैं घर। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।